अभी हमारे बीच आदरणीय मनु दीदी जी हैं। आदरणीय मनु दीदी हिमाचल के रहने वाले हैं और 1994 में अपने पेरेंट्स के साथ आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। अपनी कॉलेज की लाइफ पूरी करने के बाद आपने निर्णय लिया कि मुझे इस लाइफ में, ब्रह्मा कुमारी लाइफ में अपना जीवन आगे बढ़ाना है, और आपने हिमाचल में कुछ समय रहने के बाद पंजाब में कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी, और फिर इसके कुछ समय पश्चात आपको चंडीगढ़ बुलाया गया, जहाँ सेक्टर 33 में हमारा जोनल हेडक्वार्टर है। आप कुछ समय वहाँ रहने के बाद फिर 44 में एक सेंटर खुला, वहाँ रहे, और आजकल सेक्टर 43 में जो हम काफी पुराना सेंटर स्थापित है, वहाँ रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 23-24 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आदर मनु दीदी जी का बहुत सरल स्वभाव है और सबकी पालना करने में बहुत एक्टिव रहते हैं। बहुत प्रकार के मेडिटेशन कोर्सेज आप चंडीगढ़ में तो कराते ही हैं, बाहर भी जाकर के बहुत सारे लोगों को इसका लाभ देते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। आज के दिन खास दिवाली पर और कुछ और प्रेरणादायक बातें आदरणीय मनु दीदी से हम सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को इन एडवांस दिवाली की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ये खुशियों भरा त्योहार है ना, इन दिनों तो बहुत खुशियों का माहौल बना ही होता है, पर जीवन में सदा ही वो खुशियां कायम रहे, तो ऐसी दिल से शुभकामनाएं हैं। और यह त्योहार ही ऐसा है, एक बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ आता है, और इसकी शुरुआत ही देखो कितने अच्छे तरीके से होती है। दिवाली की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले शुद्धि से होती है, और उससे पहले, दिवाली से कुछ दिन पहले बुराई का भी अंत होता है, दशहरा मनाया जाता है। लेकिन वो दशहरा भी तब होता है जब अंदर का शक्ति स्वरूप जागृत होता है। नवरात्रे चल रहे होते हैं ना, तो जब आज के समय में हम समझ सकते हैं बुराइयाँ, नेगेटिविटी, उसका फोर्स कितना ज़्यादा है, इंसानी दिमाग पे बहुत तेज़ी से ये नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो उसके लिए इनर स्ट्रेंथ तो चाहिए। तो उसी का ही सिंबल दिखाया हुआ है, वो देवी का शक्ति स्वरूप। तो ऐसे तो सजा सजाया भक्तों ने भावना अनुसार स्वरूप बनाया, पर सिर्फ उस ड्रेस कोड में आने से देवी नहीं बनते, तो उसके लिए इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इनर पावर चाहिए। तो अंदर से वो सहनशीलता, हर बात को एडजस्ट कर सके, अपने अंदर समा सके, वरना आज इंसान की फितरत क्या है, जब तक बात इधर की उधर फैलाना दे तब तक अंदर चैन नहीं पड़ता। और अंदर बहुत अच्छा तरीके से मन को समेटना, यहाँ जो मेडिटेशन कोर्स सिखाते हैं उसमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को पैकअप करना है। आज इंसान बार बार ये शिकायत करता है कि हमारा मन बहुत भटकता है, मन हमारा ही है लेकिन करता क्या है, भटकता बहुत ज़्यादा है, अपनी ही चीज़ हमारी भटके जा रही है बार बार, हमारे अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो फिर हम घर परिवार को कैसे समेट सकते हैं, कैसे पैकअप कर सकते हैं? वैसे वो वाला ज्ञान बहुत है दुनिया में कि घर को कैसे सेट करके रखना है, पैकअप करके रखना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, वो सारी समझ है। आजकल तो पैकर्स होते हैं, वो बड़े अच्छे से घर को समेट के शिफ्ट कराने में हेल्प कर देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। वो सब सहज सहज तरीके इंसान ने उपलब्ध करा लिए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, कितना सामान लेके जाना है, वो सारी समझ है उसे। ज्यादा वजन ना उठाना पड़े, व्हील्स लगे होते हैं हर सामान के नीचे, है ना, अटैची बैग के नीचे। तो लेकिन फिर भी दिक्कत कहाँ है, मन के साथ ऐसा नहीं है। मन जब कोई एक बात को पकड़ लेता है तो एक ही जगह पर वो बैठ जाता है, है ना। वो तो हमें आ गया कि अपने इजी लाइफ कैसे जीनी है, वो तो बड़े तौर तरीके निकल आए हैं, वो तो सबको मालूम है। लेकिन जब मन में कोई बात आ गई ना, फलाने ने मुझे ऐसे कहा, या उसके घर में ऐसे ऐसे कला कलेश है, देखो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो तो है ही ऐसे हैं, है ना, जिस किसी के पास जाते हैं नेगेटिविटी शो करते हैं, है ना, ऊपर से नकली बिहेव करते हैं, और वैसे शो करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं अंदर से, मतलब ऊपर ऊपर से तो अच्छा अच्छा शो कर दिया लेकिन अंदर से है नहीं। स्माइल भी देंगे तो वो भी आर्टिफिशियल स्माइल, आजकल जमाना है ना आर्टिफिशियल चीजों का, तो इसीलिए स्माइल भी फिर वैसी हो गई है ना, क्योंकि आजकल तो दिवाली में बहुत सारे ऐसे
गिफ्ट भी होते हैं ना एक के साथ एक फ्री, और कम रेट में आप डबल चीजें ले जाइए, तो वो सब चीजें नकली नकली इंसान ने सीख लिया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल जिंदगी जीनी है। पर उन आर्टिफिशियल चीजों में ज्यादा देर मजा नहीं होता है ना। जैसे देवी देवताओं के आगे हम कौन से पुष्प चढ़ाना पसंद करते हैं, ओरिजिनल, उनके आगे आर्टिफिशियल तो नहीं रख सकते। मंदिर में जा रहे भी उनके आगे हम नकली फूल रख दें, तो हमेशा जो रियल चीजें हैं उनकी वैल्यू है। आज के टाइम में भी इंसान चाहे खुद के यूज की चीजें, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, वो सब उसको कैसी चाहिए, 100% प्योर चाहिए। डाउन परसेंटेज चाहिए उसमें? बिल्कुल भी नहीं, वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो उसको हर चीज में ही एक परफेक्शन चाहिए, एक प्योरिटी चाहिए। तो वही बात आती है कि अंदर का जब वो हमारा पावरफुल स्वरूप तैयार होता है, शक्ति स्वरूप तैयार होता है, तब बुराई पर हम बहुत इजीली जीत पा लेते हैं। और उसी के बाद जब जीत पहनते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि अंदर का उससे पहले शुद्धिकरण भी चाहिए। तो घरों में कितनी स्वच्छता रखते हैं, क्यों इतनी साफ सफाई चलती है, क्योंकि ये त्योहार सेलिब्रेट करना है। दूसरा, दीपावली के दिन एक ये भी मान्यता है कि उस दिन लक्ष्मी जी का आना होता है घर में, वो समृद्धि आती है। तब ये बात सारी हमारे ऊपर ही आ जाती है। वो तो बारी तो कहा ना, हर चीज में इंसान एक्सपर्ट है, नंबर वन है, लेकिन अब आंतरिक रूप में हमारे अंदर लक्ष्मी जैसे संस्कार आ जाए। लक्ष्मी जी किसको कहा? धन की देवी को कहा, तो देने वाली। लेकिन वो भी धन तो ऐसे नहीं आता ना। आजकल धन हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बचपन से बच्चों को क्या किया जाता है? स्कूल लाइफ, उनको उसमें जीना सिखाया जाता है, स्कूल में डाला जाता है, उसकी आदत सिखाई जाती है। जाना नहीं चाहते छोटे बच्चे, उनको तो मस्ती करना पसंद होता है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को पता है उनकी भलाई किस चीज में है ना, बचपन से ही वो, और नहीं तो प्ले वे में ही डालाएंगे भी, किसी तरह इनको उठना बैठना आ जाए। तो अब मन की बात है, अब मन को भी हमने क्या सिखाना है, कहाँ बैठना सिखाना है? मेडिटेशन में बैठना सिखाना है। ये मन भी जब जब हम मेडिटेशन में बिठाएंगे टिकेगा नहीं, ये बार बार कहेगा चलो मार्केट चलते हैं, है ना, वहां सेल लगी है, वहां चलते हैं। अरे भाई, जब जाना होगा मार्केट तब चले जाना, लेकिन जब हम बैठे जिस काम के लिए, वो काम करना पहले जरूरी है ना। तो मन को अगर हम टिकाना सीख जाएंगे तो आपको अपने आप ही लगेगा कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हमारे ही हाथ में है, उसके लिए हमें किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा। ज्यादातर क्या होता है कि समस्या आती, हम क्या करते हैं, आज ना मेरे साथ ये हो गया, मेरे को फलाने ने ये कह दिया, मेरे आगे तो बहुत बड़ी सिचुएशन है। 10-20 लोगों के आगे कह के क्या करते हैं, 10-20 लोगों को हम वो मैसेज दे देते हैं कि मेरे ऊपर बड़ी भयंकर समस्या आई है। और उसमें से तो कई ऐसे होते हैं कहेंगे तुम्हारी समस्या तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे से भी ज्यादा हमारी समस्या है। तो समस्या क्या होती गई, प्लस प्लस होती गई, उसका रूप क्या होता गया, विशाल होता जा रहा है। या तो समस्या का उसको बताएं जिसके पास सोल्यूशन है ना। पर आज के टाइम में ऐसा है नहीं है, सब अपनी एक से एक बढ़ के सुनाएंगे। किसी का हालचाल पूछो तो कहेंगे बस चल रही है, कट रही है, भाई काटने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान ने तो कहा है कि ये जीवन, मनुष्य जीवन जो है बड़ा अमूल्य है। तो वही बात आ जाती है कि हम अपनी समस्याओं को भी समझ नहीं पाते, वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। हाँ, उसमें भी इंसान ये जरूर आजकल समझ लेता है कि समस्याएं आई हैं तो कोई हम कहीं उसका समाधान लेने चल पड़े, है ना, कोई ज्योतिषी आदि को दिखा लें, या कुछ कोई चीजें मिलती हैं उनको घर में रख लें या पहन लें, गले में डाल लें, रिंग डाल लें। लेकिन उस समस्या का कारण तो इंसान ही है ना, उसकी सोच ही है। जब तक सोच हमारी कमजोर रहेगी और जब तक हमें मेडिटेशन में बैठने की आदत नहीं होगी, तब तक ये समस्याओं का रूप बड़ा बड़ा होता रहेगा। जब हम एकदम शांत और स्थिर होना सीख जाएंगे तो समस्या भी अपने आप हमें समझ आ जाएगी, उसका भी हम समाधान कर लेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, घर में बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए और उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा आ गए, तो घर क्या होता है, बहुत बुरी तरह से
वो जब तक रहेंगे घर वैसा ही रहेगा, आप कितना भी कोशिश करोगे अस्त व्यस्त ही रहेगा। लेकिन जब सारे चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम? पहले आराम से टिक के एक एक चीज के बारे में सोचेंगे, है ना। जब मन स्थिर होगा तब सोच पाएंगे। उस हलचल में आप कितना भी कोशिश करेंगे तब तक वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। तो इसीलिए जरूरत है आज के टाइम में अपने आप को एकाग्र करने की, अपने आप को स्थिर करने की। जैसे एक बार एक किसान होता ही, आजकल तो सबको ही समय देखने की आदत होती है ना, तो वो भी आजकल तो हर चीज ही हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसने भी हाथ में अपने घड़ी पहनी भी कितने टाइम कहाँ लगाना है, है ना, खेत में कितना टाइम लगाना है कुछ है। लेकिन उसका ना काम करते करते होता ही है, किसी को टाइम दे रखा है तो नेचुरल है, मिलने का टाइम है तो घड़ी में तो देखना ही पड़ेगा ना। तो लेकिन वो कुछ काम करते करते उसको लगा कि घड़ी कहीं खो गई है मेरी, घर में काम करते करते या जो भी है गाय वगैरह के पास कुछ घास वगैरह डाल रहा था तो वहां खो गई, उसको ऐसे लग रहा है। पर बड़ी कोशिश करता है वो, बच्चे होते हैं काफी, उनको इकट्ठा करता है, कहता है मेरी जो घड़ी पहले ढूंढ के देगा उसको इनाम दूंगा। तो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, बहुत शोर कर करके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मिल जाए किसी तरह, यहाँ नहीं यहाँ होगी, पर वो नहीं मिल पाती। फिर लास्ट में एक बच्चा आता है, कहते हैं आप मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, तब तक तो सारे बच्चे थका हार के जा चुके होते हैं। तो वो देखता है कि ये कह रहे हैं इसी एरिया में, वहां तक तो थी, पूछते हैं ना लास्ट कहाँ पे आपने समय देखा, कहते हैं वहां तो थी मेरे हाथ में, यहाँ भी मैंने टाइम देखा था उसके बाद ही। एक्चुअली तो वो जब चारा डालने लगा था ना तो उस घास के अंदर ही उसकी घड़ी गिर गई थी। तो उस बच्चे को जब टिक टिक की आवाज सुनती है तो उसी दिशा में जाता है और वो घड़ी निकाल के ले आता है और वही नाम का पात्र बन जाता है। तो बात ये आती है कि उसने भी एक समस्या ही थी ना कि उसकी घड़ी नहीं मिल रही थी, तो लेकिन जब माहौल एकदम ठहर गया, स्थिर हो गया, तो उसे ढूंढना इजी हो गया। तो इसी तरह से जब हमारा मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, तो हम अपने परिवार को देख सकते हैं, बच्चों के अंदर की फीलिंग को समझ सकते हैं, घर के हर सदस्य की फीलिंग को समझते हुए उनको जो देना है भावनाओं के द्वारा परिवार को वो दे सकते हैं। तो फिर उससे क्या होगा, परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा दिवाली पे स्वच्छता भी रखते हैं और फिर बहुत खुशियों भरा त्योहार है, उसमें खास दीपक भी जलाते हैं। तो मन में हमेशा उम्मीदों के दीपक जगते रहे, वो कभी नहीं बुझने चाहिए। जिसके मन का दीपक बुझ जाता है उसके साथ क्या होता है, वो जिंदगी की जंग हार जाता है, क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं नजर आ रहा ना आगे जाने का। तो इसीलिए ये परिस्थितियां, ये सब कुछ आता रहेगा, लेकिन कभी भी मायूस नहीं होना। जिसको कहते हैं ना भगवान पे आस है, विश्वास है, तो भगवान भी उसके ऊपर खूब सारी दुआओं की बरसात करता है ताकि वो आगे बढ़ता रहे, खुश रहे। तो इसीलिए इस दीपावली पर हमने पक्का करना है, एक तो अपने मन की स्वच्छता पर ध्यान देना है, दूसरा अंदर कुछ भी कचरा इकट्ठा नहीं होने देना, और अंदर से उम्मीदों के दीपक हमेशा जगते रहे, अपने भी और दूसरों के भी जगाने पे ध्यान देना। क्योंकि एक दीपक जगने से दीपावली नहीं होती, बहुत सारे दीपक जगमगाते हैं तो दीपावली का रूप होता है। तो इसीलिए खुद भी हम उस तरह से खुश रहें, औरों को भी रखें, और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें। और एक बार फिर से आपको इन एडवांस दीपावली की, धनतेरस की, भैया दूज की, सब त्योहारों की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।